बिहार में जो जातिगत गणना हुई थी उसके आंकड़े सामने आए हैं, उस पूरी खबर पर डालते हैं नजर। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी हो गए। बिहार में अनुसूचित जाति 19.6%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, जबकि 27.1% पिछड़ा वर्ग है। बिहार में यादव 14.26%, वहीं कुर्मी 2.87%। बिहार में अनारक्षित वर्ग में 15.52%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, वहीं ब्राह्मण 3.86%। बिहार जातिगत गणना में मुस्लिम आबादी 17.7% है। इन आंकड़ों के आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, जातिगत आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जातिगत आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा वो पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, बिहार के जातिगत आधारित गणना आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियों और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। यहां आपको बता दें कि जातिगत गणना जो है उसकी तस्वीर अब साफ है, कौन कितने फीसद कौन सी जाति कहां पर खड़ी है ये तस्वीर साफ हुई है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको लेकर काफी अपबीट है। जो सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, आइए वो सुनते हैं। बिहार में जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर सर्वेक्षण के कार्य में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन था। हम लोगों ने जब सरकार में हम लोग शामिल थे तो हम लोगों ने इस काम की शुरुआत के लिए नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था पूर्ण रूप से और कैबिनेट से इसको पास भी कराने का काम है। अभी जो रिपोर्ट्स जारी हुए हैं इसके आधिकारिक तौर पर हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हुए, अध्ययन हम लोग इसको करेंगे और जब पूरे अध्ययन के बाद पार्टी अपने विचार जरूर रखेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो नंबर्स हैं वो आपको लगता है कि वो सही हैं? देखिए, जो उन लोगों ने लिस्ट जारी किया है लगभग लोग समझ यही रहे थे, लेकिन अब किस मैकेनिज्म के माध्यम से उन्होंने किया है ये पूरे अध्ययन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी। एक मेरा अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्गों का जो नया डेटा आया है उसके आधार पर जो आरक्षण का अभी में जो प्रावधान है उसको बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दलित समाज के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, बाद में मंडल कमीशन आयोग बना, फिर रोहिणी कमीशन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी लगातार इन चीजों पर अध्ययन करा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको तुरंत सरकार करने का काम करेगी।